गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग करते हैं सर, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग, मैं जैसे खुश हूँ आप लोग भी खुश हो जाओ। वैसे मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि खुदा का शुक्र है बहुत अच्छा दिन हुआ है। वैसे तो रोज़ ही अच्छा दिन होता है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना। और यहाँ मैं इसलिए खुश हो रही क्योंकि मेरी मामा ने मेरा ड्रेस पहना है और मेरी मामा बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाते हैं। और मामा लोग कर रहे हैं तैयारी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाने की, शादी की तैयारी कर रहे हैं। अभी किसकी शादी आने वाली है, तो अभी बैग करके दिखाती हूँ। जो है ना मेरा ड्रेस पहना है, लहंगा जो मैंने मिशेल आपकी की शादी पे पहना था। ब्रदर कैसे आप लोग और हम लोग ज्यादा पहन पहन के ट्राई कर रहे हैं, कौन कौन नहीं पहन पहन के ट्राई नहीं करते, बैठे बैठे। मुझे याद है मामा कबर्ड साफ करी थी, मेरी कुर्ती वॉश होने वाली है तो मैंने वो रखी थी कबर्ड में, मैंने कहा इसको वॉश करूंगी। तो मामा को मैंने बोला आप ट्राई करो पहन के, आपको आता है, नहीं तो आप जो है ना लहंगे के साथ नई कुर्ती सिलवा लेना। और शादी आ गई है, डेट फिक्स हो गई है मेरे भाई की और बाजी की पंजाब। तो मामा को मैंने बोला आप, मैं अगर नहीं जाऊंगी तो आप ये ले लेना, फिर आप बारात पे या जब भी पहन लेना। नहीं करो दिया, दिया गेट बजाए जा रही है। तो बाकी मैं और मामा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने, मामा के कुछ कपड़े लेने, कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि अगले महीने शादी है तो हम लोगों ने पहले तैयारी व्यारी करनी है। और बाकी मामा को लहंगा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मामा के पिक्चर्स भी बनाई है, वो भी वीडियो में लगा दूंगी, कैसे आई है बताइएगा। और लिया दिया, यहाँ दोनों लड़े जा रही हैं। ये मैं थोड़ी थोड़ी मोटी लग रही, तो भाई ये मेरा है। तो मामा बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है आपका ही है, आपको आ गया है। तो बाकी आप लोग कॉमेंट्स में बताइए मामा ये पहने या ना पहने। बाकी आपने जो दुआ में याद रखा और बहुत सारा प्यार देना है, हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी करके तैयारियां करने हैं। और अभी ये भी नहीं पता जाना किस किस ने, क्या पता पूरी फैमिली जाए, क्या पता मामा पापा जाए, क्या पता मैं और मम्मा जाए। तो मम्मा ने जो है ना कबर्ड का कुछ यूं इतना ज्यादा गंदा नहीं, मतलब सारे कपड़े निकाले, कबर्ड तय कर रही है। वैसे ये 3-4 दिन बाद कबर्ड तय होती है ना, तो पहले इसको चेंज तो कर लो। तो ये कबर्ड वबर्ड सेट करते, मैं सफाई कर रही थी, सफाई वगैरह करते हैं, हम लोग जाएंगे मार्केट। तो आप लोगों ने साथ ही रहना, व्लॉग चल रहा है। और ईशा मामी, हाँ जी ईशा मामी ने भी जाना है, इधर नजर नहीं आ रहा है, इतना हंसी है, कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। मामा जी मैक्सी भी पड़ी, मैं सोच रही हूँ आज आपका मेकअप ना करें इसमें अच्छा सा। जी ना, मैं हाल मेकअप कराऊं, मैं मूड पे नहीं। सही है, जब मूड में होगा ना फिर बताना, फिर मैं कर दूंगी, सही है ना। मामा जो है ना रेडी शेडी हो गई है और बड़ा अच्छा सा रेडी शेडी हो गई है। हाँ कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे। आप लोग कॉमेंट से बताइएगा की मामा मुझे कितनी दफा साथ लेकर जाती हैं, सही है। मैंने कहा कि आप मुझे बहुत ज्यादा कम लेकर जाती, कभी कभी ज्यादा खुद ही जाते हो। तो अभी मैं कह रही थी मुझे साथ लेकर जाओ और मुझे लेकर नहीं जा रहे, और मैं नाराज हो रही हूँ। और मेरे लिए कुछ थोड़ा खरीदा तो बाजार, लड़कियां नहीं जाती, लड़कियां बाजार नहीं जाती, चले जाते कोई काम नहीं, जब ब्याई जाएंगी फिर जाएंगे। और कुड़ियां कलियां बाजार नहीं जाती, लाइफ तो वाह तो सही है, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आना, नहीं जरूरत नहीं, सही है। और दिया जो है ना, जी मैंने लिए सारे काम कर लिए, किचन इतना गंदा और सफाई बर्तन करने लगी थी, तो मामा लोग वैसे मामा का तंग कर रही है। और मामी को भी जाना था और मामी भी नहीं गई क्योंकि मामू ने कॉल नहीं सेव किया। हाँ शाम में चली जाऊंगी। और बाकी मम्मा ने आज सारे तकियों के कवर चेंज किए हैं और मामा कह रहे थे सुबह बेडशीट चेंज कर देंगे, क्योंकि सुबह संडे है ना तो कवर ओवर चेंज कर दिए, तो सुबह बेडशीट भी चेंज करेंगे। और आज मैंने सारी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ वॉश की, सारा घर एकदम, सैटरडे को सफाई होती है, फिर संडे आ गए मेहमान आ जाते, कोई ना कोई आ रहा होता है, तो ब्लॉग चल रहा है, आप लोगों ने साथ ही रहना है। मामा जो है वापस आ गई और मैंने जो है खाना वाना बनाया और फिर जो बाकी काम थे वो किए, और जो है ब्लॉग भी बनाया था क्योंकि पापा आ गए थे, तो फिर मैं बस लगी रही बच्चों के साथ और पापा के साथ, फिर चाय वाय बनाई। और अभी जो है टाइम तकरीबन क्या हो गया, मामा आ गई है। हाँ जी मम्मा देखो, जब गई थी तब देखो और अभी देखो क्या हो गया। थक गई हूँ मैं अभी, क्यों थक गई थी, मैंने खाना भी नहीं उधर खाया था। और फिर मैंने मामा के आने से पहले खाना वाना बना लिया था। अल्लाह इतनी पूनियाँ जमा हो गई हैं, काकी लोगों की पूनियाँ देखो इतनी सारी हो गई हैं एक एक करके। बस काकी और ये चार तो मैं भी लेके आई हूँ ना, 1, 2, 3, 4 ये पुरानी है। तो बाकी मामा करके आई है दिया लिया की शॉपिंग, दिया लिया की करके आया ना बस। और लेने अपने कपड़े गई थी कि स्टिच होने के लिए दे दें, तो वो लेकर नहीं आई। अब मैंने चाय पिया, मुझे जो है ना बार बार मुश्किल लग रही है, ये डकार आ रहा है, डकार आ रहा है, डकार। हाँ लियो, कैसी हो, खाना खा लिया?
और अभी हम लोग खा रहे थे खाना वाना, सबने खाना वाना खा लिया। यहाँ मैं चाय लेकर नहीं, चाय वाय पी रहे हैं, और पापा भी फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, मैं भी फ्रेश हुई हूँ। जुगू लोग तो पहले फ्रेश थे, ये ट्यूशन गए थे, अभी आ गए। लियो अभी अलमारी बंद कर, क्या जब बंद कर क्या मेरा बच्चा, वो भी ऊपर रख दे उधर दराज में। और मम्मा जी कैसा रहा बाजार, मजा आया? बाजार यार बंदा जाता तो है लेकिन थक जाता है। तो बाकी कपड़े तो दिखाओ, ये मम्मा देख रही है सबसे पहले, तो ये देखो जग, जो दिन मैं देख रही थी वो इतना अच्छा था, वो नहीं लिया जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन। और ये जो है ना, ये देखो इतनी सारी पुनिया हो गई, उस दिन लेकर आए थे, एक दो तीन चार भी लेकर आए इनके, क्योंकि बाल बड़वा रहे, बढ़ रहे हो रहे, बड़े बड़े क्या वो देखो, वो मग लेके आई, उसमें सामान है बच्चों का, देख रही है लंडा बाजार, ये देख रही है, ये जोया के लिए सही है। और ये मग्गा लेकर इसमें डाल दो सारे लोग, ये मैंने एक डब्बा बनाया उसमें रख देंगे काकी की सारी चीजें। चलो मामा जी कपड़े तो दिखाओ, लिया दिया के मामा लेकर ही लिया दिया के, कितने सूट लेकर आए, चार चार पांच सूट लेकर आई हैं, तो देखते हैं कैसे हैं। वैसे मुझे सारे अच्छे लगे हैं। और ये रहा पहला सूट ब्लू, और ये अभी गर्मियाँ आ गई है ना, गर्मी आने वाली, तो इसलिए मामा इनके शॉर्ट लेकर आई है, ये मेरे हैं। हाँ क्योंकि आगे पंजाब जाना है ना, ये भी तो उसके लिए जो है ना गर्म कपड़े नहीं है, गर्मियों वाले कपड़े हैं। ये भी है येलो, सारे कलर बड़े प्यारे हैं, येलो ब्लू, और ये इसका शॉर्ट है। और बाकी मेरी चाय ठंडी हो रही है, मेरी चाय इतनी कौरी हो गई, मैंने गर्म रख रखी थी। ये मामा लो आउटलाइंस भी लेके, ये वो दिखाओ, ये देखो मैंने सारी हाथों पे लगाई है, ब्लू मैरून सी, और एक ये रेड ब्लैक, ब्लैक की तो वैसे ही अलग ही एक अलग ही डिमांड होती है ब्लैक की। ये इसके ये देखो कितने अच्छे बने हैं, आईज बने हैं, आईज नहीं है जुगू, वैसे आईज बनी है, वैसे वो बने हैं कार्टून टाइप। कितने हो गए, एक दो तीन, तीन हो गए, ब्लू येलो ब्लैक, और एक ये ग्रे ब्राउन सा है, और एक ये भी बड़ा प्यारा। और ये चारों लिया दिया कहीं है ना, पांच है अम्मी, पांच है, वो रेड भी है नहीं, ये उसका किसका, नाने की शर्ट है, नाने की, अच्छा सही है। और भी हैं, ऐसी फिर ये सूट लेकर आई हैं, ये जग लेकर आई हैं, और ये कुछ चीजें लेकर आई हैं, और बस और कुछ नहीं लेकर आए, मिसाला लेकर, कपड़े लेकर आए ना, हाँ अम्मा के कपड़े सेल करने के लिए लेकर आए हैं। तभी जो है आप लोगों को कपड़े कैसे लगे, और व्लॉग कैसा लगा छोटा सा, मैंने मामा को कहा था मुझे भी लेकर, वो मम्मा लेकर नहीं गई, मम्मा थे मुझे लेकर जाना, मामा लेकर नहीं गई थी, तो बाकी यह है कि फिर भी ठीक है, नहीं भी लेकर गई फिर मैं अपनी शॉपिंग करने खुद ही जाऊंगी, सही है ना मामा जी, इधर देखो सही है, फिर लेकर जाओगे ना जी। व्यूअर्स कपड़े कैसे लगे और आज का व्लॉग कैसे लगा, और मामा के लिए हमने जो लहंगा निकाला वो कॉमेंट्स में बताएगा, मम्मा पहने या ना पहने, है ना पहने, हाँ या कुछ और ले ले, है ना। बाकी दिया क्या कह रही थी, पेंसिल मामा दिया के लिए स्टेशनरी लेकर आई, जिसमें रेजिल पेंसिल शॉर्पनर है ना सब कुछ लेकर आई है, और पापा से तो मिले नहीं। हाँ जी पापा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। और पापा खाना खा लिए, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, तुम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, सुमन के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। और मामा लोग पता नहीं मुझे साथ लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर लेके जाओगे, पता नहीं, पता नहीं अभी उनको पता चल जाता है, नहीं पता चल जाएगा लेके जाओगे। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, फॉलो करेगा, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आराम से।